जय हिंद पेंशनर बंधु, आप सबों का लिविंग हैप्पी की डिजिटल ट्रेनिंग श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेनर ट्रेनर, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्रेनिंग का। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ा चुनौती है आज के युग में डिजिटल ट्रेनिंग को समझना। मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टैब का, बैंकिंग के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट हैं, इन्हें समझना, उनका यूज करना, इन्हीं में सरलता सुगमता आपको दिला सकूं, यही उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का। तो आज मैं बात करूंगा डिजिटल ट्रेनिंग का, जो कि डिजिटल बैंकिंग पर आधारित होगा। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आज के दिन यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को एक प्रोडक्ट भारत सरकार के द्वारा, स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डीबीयू, जो कि अमृत महोत्सव के 75वां वर्षगांठ पर 75 डिस्ट्रिक्ट में और 75 डीबीयू को ओपन किया जा रहा है। इसी के बारे में हम खास बात करेंगे, उसके खास बिंदुओं को, साइलेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। और उसे समझने से पहले मैं आपको डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताऊंगा, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं, इन पर बात करूंगा। डिजिटल बैंकिंग के टाइप्स कितने होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से तत्व हैं, और भारत में डिजिटल बैंक्स कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन से चुनौतियां हैं और उनके समाधान किस प्रकार की जाती है, और इसके साथ ही मैं हर वीडियो के भांति बॉटम लाइन जो हमारा कंक्लूडिंग थॉट्स होते हैं यानी कि बोनस टिप्स होते हैं वह तो साझा करूंगा ही। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयूज को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो यही जान लें कि डीबीयू होता क्या है। तो डीबीयू है डिजिटल बैंकिंग को वितरित करने के लिए उनके उत्पादों और सेवाओं को, यानी कि डिलीवरिंग द डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। अब आप बोलेंगे कि हमें तो डिजिटल बैंकिंग ही नहीं मालूम है, तो डिजिटल बैंकिंग के क्या प्रोडक्ट सर्विस होते हैं ये हमें क्या पता। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि डिजिटल बैंकिंग आखिर होता क्या है। तो यह एक अम्ब्रेला की तरह टर्म यूज होता है, जिसमें कि शामिल होते हैं सभी बैंकिंग एक्टिविटी जो कि परफॉर्म किए जाते हैं उनके टेक्नोलॉजिकल मीन्स के द्वारा, यानी कि कोई भी ऐसा हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, उनके द्वारा यह परफॉर्म किए जाते हैं। तो यह डिजिटल बैंकिंग तो अब पता चल गया। अब दूसरा आता है ऑनलाइन बैंकिंग। कई लोग डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग दोनों समान ही समझते हैं, पर ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि डिजिटल डेली बैंकिंग प्रैक्टिसेस हम जो करते हैं वह इसके द्वारा, इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। अब हम यह जान लें कि क्या क्या टाइप्स हैं डिजिटल बैंकिंग के, तभी आप डिजिटल पेमेंट्स वगैरह कर पा सकते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे आज किसी भी बैंक के, किसी भी शाखा के आप ग्राहक होंगे तो आपको बैंकिंग कार्ड्स दिए जाते हैं, तरह तरह के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये सब डिजिटल बैंकिंग के ही प्रकार हैं। इसके साथ ही यूएसएसडी, जिसे कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा, यह भी दिया जाता है। यूपीआई जो कि आज आम हो चुका है, पेटीएम, गूगल पे से सबको आप धूम्रपान मद्यपान की वस्तु के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह यूनाइटेड पेमेंट जो इंटरफेस है यह भी डिजिटल के ही एक टाइप में आते हैं। इसके साथ ही AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी हैं, मोबाइल वैलेट्स हैं और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, POS आप देखते होंगे बड़े बड़े मॉल में, दुकान में, शोरूम में, ये सब मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो ये सब टाइप्स हैं आपके डिजिटल बैंकिंग के। अब मैं बताऊंगा कि इनके कौन कौन से डिजिटल बैंकिंग के तत्व हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। तो डिजिटल बैंकिंग जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंडलेस है, यह ऐसा नहीं कि जो 10 साल पहले था वो आज है और आज जो है वो 5 साल बाद ही रहेगा। विशेषकर कोरोना काल के बाद आप जो देख ही पा रहे होंगे कि कितना लगातार इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कंसिस्टेंटली इसमें क्रांति आ रही है, और हमारे ट्रांजैक्शन करना, अपने अकाउंट को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना कितना सरल हो चुका है, और इसी दिशा में यह मुहिम है जो कि काम करेगा डीबीयू 24/7/365 सर्विसेस, यानी कि सालों भर
सप्ताह के सातों दिन और 2400 घंटे यह काम करने वाली है, जो कि आपको सुपीरियर कन्वीनियंस सुविधा देगी। इसके साथ ही और भी कई एडवांटेज हैं जो कि आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बैंकिंग में जो हो रहे हैं वह सबका सुविधा लेने में आपको मदद करेगा। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यह बड़ा सिंपल नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा फिनटेक प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बड़े ही कॉस्टली होते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, तब जाके आपके डिजिटलाइजेशन प्रोसेस उसकी जो गारंटी होती है वह मुहैया करा पाते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बेस्ट डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है यहां, जो कि गारंटी करेगा लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो आप भी अगर डिजिटली ट्रेंड हो जा रहे हैं तभी इन सुविधाओं का आप लाभ उठा पाएंगे, न कि यह भारत सरकार के द्वारा यह प्रोडक्ट डीबीयू बल्कि किसी भी बैंक के द्वारा उठाया हुआ, उन स्टेप्स का आप तभी उठा पाएंगे। और यही हमारा प्रयास भी है कि आपको डिजिटली लिटरेट किया जाए, आपके चेतना को उठाया जाए। इसमें की टेक्नोलॉजी होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कई तरह की बातों पर ध्यान दिया जाता है जिससे कि आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बैंकिंग डिमांड को किया जाए। और ये सब तभी संभव हो सकता जब आप राइट माइंडसेट रखेंगे, यानी कि डिजिटली तो बदलाव आ रहा लेकिन आप अपने माइंडसेट को नहीं बदल पा रहे हैं, जिसमें कि आता है हमारे अप्रोच, किसी भी बिजनेस मॉडल को अप्रोच करने का, ट्रांसफॉर्मिंग का क्या तरीका होता है, क्या सोच है, क्या हमारा एटीट्यूड है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, क्या कस्टमर सर्विसेज के मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो काम करते हैं, और फाउंडेशनल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम बातों को भी हमें समझना होता है डिजिटल लिटरेट होने के दौरान। इसमें हमें सार फोकस रखना होता है उन सुविधाओं पर, और साथ ही बैंक के लिए भी यह चुनौती होते हैं कि अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा इजी दे सकें। अब एग्जांपल ऑफ डिजिटल बैंकिंग की बात करता हूं, इसमें कई डिजिटल बैंकिंग आते हैं, बैंक स्कैन है, रिवोल्ट है, फ्यूडर है, सिंपल है, N26 है, मोंजरो है, आदि कई तरह की ऐसी बेटर नॉन डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है जो कि आज काम कर रहे हैं और कस्टमर को बहुत ही ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। मिनट के ही अंदर ही उनको फोन पर सब कुछ मिल जा रहा, जहां भी चाह रहे हैं, जहां जैसे कभी भी चाह रहे हैं। तो डिजिटल बैंकिंग ना कि लिमिटेड है आपको ऑनलाइन बैंक के लिए, यह सब जगह लागू होता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैब्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी इटेबल्स प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी कंज्यूमेबल्स हाउसहोल्ड आइटम को तुरंत मंगवा ले रहे हैं। अब मैं विशेष बात करूंगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू, जो कि इस वीडियो का केंद्रीय विचार है। यहां मैं बात करूंगा इनकी खास बिंदु पर, सेलियंट फीचर्स डिटेल में। तो यह आप जान लीजिए कि डिजिटल बैंकिंग के उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने का यह एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड बिजनेस यूनिट है और हब है, जहां की डिजिटल बैंकिंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेस हैं, इन्हें आपको स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, तो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचनाएं हैं ये सब आपको रहेगा। जो मौजूदा वित्तीय उत्पादों जो कि आज अवेलेबल है और सेवाओं को डिजिटल रूप से सेवा प्रदान करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। जो कि एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, सर्विसेस है, इनको डिजिटली आप तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि आप सारे सुविधा का लाभ उठा चुके सकें। और यह सेल्फ सर्विस, स्वयं सेवा के द्वारा होता है, और असिस्टेड मोड, सहायता के लिए भी वहां रहेंगे। तो दोनों में है, यह ग्राहकों को किफायती और सुविधाजनक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में एक सक्षम माना जा रहा, जहां की इफिशियंट, पेपरलेस, सिक्योर्ड और कनेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जा रहा, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कन्वीनियंट फाइनेंशियल सर्विसेस आपको दे रहा। तो यह डीबीयू जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में और 75 डीबीयू को खोला गया है। तो इसमें कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं यह मैं बता दूं, यह आपको मैं बता ही दिया कि 16 अक्टूबर 2022 को स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि ऑलरेडी बजट में अनाउंस कर दिया गया था। और यह अमृत महोत्सव के 75 वर्षगांठ को मद्देनजर रखते हुए 75 हर जगह मेंटेन किया गया है। इसमें वैरायटी ऑफ डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी दिया गया है, जिसमें कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी भी बैंक के, उनके सेविंग अकाउंट खोलने का,
उनके बैलेंस चेक करने का, स्टेटमेंट लेने का, पासबुक प्रिंट करने का, फंड ट्रांसफर करने का, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको पेमेंट स्टॉप कराना है, आपने चेक इशू कर दिया, यह सुविधा, लोन एप्लीकेशन मिल सकते हैं, नॉमिनेशन को बना सकते हैं, नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि को लिए अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इस तरह की कई और भी तमाम सुविधाएं हैं जो कि इन डीबीयू में आपको मिलेगा। मैं वीडियो को और आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को भी आपकी तरह ही विकास और वृद्धि के, प्रगति और उन्नति के एक शुभ अवसर मिले। और जब लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को रिसर्च पर लगाते हैं, एडिटिंग पर लगाते हैं ताकि और वैल्यू एडेड वीडियो आपको लगाते हैं और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। तो यह जो डीबीयू है ये सेटअप किया जा रहा है एक ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसमें कि आपकी सुविधा को, आपके लाभ को सुनिश्चित किया जा रहा है, जो कि हर नूक एंड कॉर्नर, हर गली चौराहे पर अंतिम जो यूजर है, इंड यूजर तक भी, यह देश के हर नागरिक तक यह लाभ पहुंच सके, जिसमें कि सभी स्टेट के, सभी यूनियन टेरिटरी में भी लागू होता है, जो कि मैं बताया ही एक कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट एक्सेस है, इनहेंस्ड डिजिटल एक्सपीरियंस आप यहां ले सकते हैं सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, ऑल अराउंड द ईयर। तो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपको बढ़ाना है, अगर डिजिटल लिटरेट होना चाहते हैं, जो कि आज के लिए एक विकल्प नहीं, एक जरूरी हो चुका है, अनिवार्य आप इसे मान सकते हैं, तो इसमें डीबीयू में एक स्पेशल इम्फेसिस दिया गया है कि कस्टमर को एजुकेट भी किया जाए और विशेषकर उनके जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो होते हैं, उनके सजगता की कमी के कारण कई बार फ्रॉड में फंस जाते हैं, उन्हें भी सेफगार्ड करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म लिए जाते हैं इसके लिए भी प्रशिक्षित भी करना है। यह जो डीबीयू है ये यूनियन बजट जब 2022-23 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया था, उसी के दौरान यह 75 डीबीयू की बात की गई थी, जिसमें सफिशियंट, प्रचुर मात्रा में डिजिटल मैकेनिज्म को रियल टाइम असिस्टेंट के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिससे कि इसमें कस्टमर की जो शिकायत है, कस्टमर ग्रेवियंसेस है, चाहे बिजनेस के दौरान या सर्विसेज के दौरान, इसको भी एड्रेस किया गया, यानी कि शिकायत करने की भी सुविधा डीबीयू में दिया गया है, जो कि डायरेक्टली या तो है या फिर थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर या करेस्पोंडेंस के द्वारा भी हो सकता है, ऑनलाइन भी है। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के मिशन है जो डिजिटल इंडिया, उस मिशन के मुहिम के तहत यह डीबीयू योजना है, जो कि इजीली एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज को मुहैया करता है ताकि सभी नागरिकों के पास यह पहुंच सके, डिजिटली अक्रॉस सभी ज्योग्राफी में, पूरे भारत के कोने कोने तक यह पहुंच सके और बैंकिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर कर सके। इस मुहिम में करीब 11 पीएसबी यानी कि नेशनलाइज बैंक और 12 प्राइवेट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके जो लघु हैं ये भी, यानी कि 24 संस्थाएं टोटल इसमें शामिल हैं। ये सबको दिया गया है डिजिटल बिजनेस यूनिट स्थापित करने के लिए असाइन किया गया है और यह सुनिश्चित क्या करेगा, तो आपका लाभ हो, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा सबको मिले, जैसा कि हमने बताया ही पीएम स्वयं किए हैं ऑनलाइन। इसमें इस 75 में जम्मू एंड कश्मीर, जहां की ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, अब वहां भी हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर के बैंक के द्वारा ये दो वहां भी दिया गया है डीबीयू, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही उद्घाटन किया गया। ये J&K बैंक के द्वारा, जो कि चन्नी रामा जो जम्मू में है और लाल चौक श्रीनगर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में भी यह डीबीयू स्थापित किया गया है। तो इस तरह से प्रचुर मात्रा में डिजिटल मैकेनिज्म को यहां दिया जा रहा है और रियल टाइम असिस्टेंट के लिए किया जा रहा, जहां की शिकायत की भी सुविधा है, रिड्रेसल कस्टमर ग्रेवियंसेस, जो कि बिजनेस या इसके द्वारा हो जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी। हालांकि अप्रैल 2022 में ही RBI ने इसके लिए गाइडलाइन रिलीज कर दिया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जिसकी विस्तार में हम अगले किसी वीडियो में लेंगे।
अब मैं बात करता हूं कि इस मुहिम में कौन कौन से चैलेंजेज आएंगे और क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। आज भारतवर्ष में न कि डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी की भी कमी है। इंग्लिश कितने लोग जान पाते हैं, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट को समझने के लिए, उनके डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए, समझने के लिए जो भी FAQs होते हैं अक्सर इंग्लिश में ही होते हैं। तो एक तो लैंग्वेज ही प्रॉब्लम हो जाता है, भारत में भिन्न भिन्न तरह के भाषा बोले जाते हैं और ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ इंग्लिश में रहते हैं, तो इंग्लिश स्वयं ही एक हर्डल्स के रूप में आता है। तो पहला तो चुनौती यही है कि हर रीजनल लैंग्वेज में इनके जो टूल टिप्स हैं, मीनू हैं, FAQs हैं, ये सब आने चाहिए। तो यह एक चुनौती के रूप में है। यहां सक्सेस होगा कब होगा, इसके लिए डिजिटल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जो कि ग्रोथ को और हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारने की क्षमता रखता हो, जो कि निरंतर उसके फीडबैक पर होगा, ना कि मात्र कॉस्ट को रिड्यूस करना। आप ये समझ ही पा रहे होंगे कि धीरे धीरे किस तरह से सरकार बढ़ रही है। इस डिब्यू एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 75 लिया गया है। धीरे धीरे यही शाखा का, जो कि अभी अलग अलग भिन्न भिन्न बैंकों के शाखा काम करते थे, यही सारे काम यही करेंगे, जो कि बैकएंड में बैंक रहेंगे और फ्रंटएंड में यही रहेंगे। यानी कि भविष्य उन ब्रांचों का, उन शाखाओं का क्या होगा, यह आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उन बैंक का, उन शाखाओं का क्या होने वाला है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ना कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बदले जा रहे हैं, ना कि स्किल सेट बदले जा रहे हैं, माइंडसेट बदले जा रहे हैं, आपको सब कुछ बदले हुए नजर आएंगे। विशेषकर कोरोना के बाद जितनी फास्ट गति से हमारी इकोनॉमी बदल रही है, आप एक एक साल में ही बदले हुए रूप देख सकते हैं। तो यहां जरूरत है आपको स्वयं को भी बदलने का, यानी कि अपने डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने का। यहां इनके पास चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी को, जो कि ब्लॉकचेन मैनेजमेंट के द्वारा ही हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, यहां अगर लगाते हैं, जिसमें कि पर्सनलाइज्ड सर्विसेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा, ऑटोमेशन कितने लगाए जाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना एडवांटेज दिया जाता है, तो ये सब से कस्टमर को भी अवगत होना पड़ेगा। यानी कि आप सबों को, विशेषकर यह वीडियो मैं बना रहा हूं उन विशेष सीनियर सिटीजन के लिए जिनको की लिटरेसी इतना कम है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि हम समझ ही पा रहे हैं कि यह यूजर को अलाउ करता है, ना कि बैंकिंग के लिए, बल्कि और भी कई तरह की पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, किसी भी लोकेशन से, यह जो फेसबुक है यह भी क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही चल रहा है। यह रिमोट वर्क और ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों को पावरफुल करता है और कस्टमर को किसी भी समय में यह डाटा एक्सेस करने को परमिट करता है। तो इस तरह से हमारे कस्टमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनके डाटा को इजीली पहुंचाया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, ऑटोमेट किया जाएगा। ये सब चुनौतियां हैं, देखना यह आगे के दिनों में कि डीबीयू ये सब करने में कितना सक्षम है, अपने एक्यूरेसी को कितना बढ़ा पा रहा है, एफिशिएंसी को बढ़ा पा रहा है, और जो कंप्लायंस इश्यू हैं, जो रेगुलेटर्स हैं RBI के, उन सब को मानने में कितना सक्षम है। अब वह मशीन है DBU, तरह तरह के टैब हैं, इन सबों की सुरक्षा के लिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो कितने MC हैं, कितने रेगुलर काम करते हैं, कितने गार्डेड हैं, और क्या अभी तक का ATM का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यह हम सब जानते ही हैं। तो यहां यह सब चुनौतियां होंगी। इंडलेस फंक्शनलिटी है, जिसमें कि लाइटनिंग फास्ट सर्विसेज थ्रू वॉइस टेक एंड IoT को लागू करना चाहिए, जिसमें कि सेंसर हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं और कई अदर यूनिक फीचर्स भी हैं, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग IoT के द्वारा कस्टमर को देना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, तभी वो फुल कंटैक्टलेस पेमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए DBU के द्वारा ही या सरकार के द्वारा ही लोगों को भी डिजिटली ट्रेंड करने की मुहिम अवश्य ही होना चाहिए। तभी डिजिटली ऑपरेटिंग मॉडल्स को डिफाइन कर सकते हैं और एक एक्यूरेट डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल्स को लगा सकते हैं। सारे मॉडल्स एक अलग तरह के चैलेंजेज होते हैं, उनके लाभ होते हैं, और यह सब तभी संभव है जो कि मार्केट सेक्टर लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। उनके मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इनोवेटिव जो फास्ट डिजिटल कल्चरल शिफ्ट है, ये सब को ओवरकम करना पड़ेगा। अब आप यह एक विजुअल्स देख लीजिए, जिसमें कि DBU के बारे में दिया गया है, फिर मैं बात करूंगा। फॉर्मलाइजिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आई अर्ज
all the representatives who are present here today to spare at least some time each day to promote literacy, financial literacy, digital education for the bank customers and for all those business units which are small in your neighborhood. Popularizing digital banking is important. Also, the most important aspect is that it is going to be cost effective for the consumer. It is going to be absolutely safe and secure for them to use it. These thoughts will have to be promoted by the bank agents, meaning banking agents, banking correspondents, bank managers, and all officials, so that greater formalization of the Indian economy can be achieved. And finally, I congratulate the RBI and the Indian Bank Association for very speedy implementing this in a very efficient manner. I am sure that our collective efforts, the DBUs, will go a long way in giving further impetus to digital banking in India and help our economy to move towards a cashless and inclusive economy. Dhanyavaad. थैंक यू मैम। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे सांकेतिक बटन दबाकर डीबीयूज का लोकार्पण करें और हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का संकल्प आज देश को नित नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। 8 वर्षों की यह यात्रा देश की जनता के लिए अनेक सुविधाओं को लेकर आई है। आजादी के 7 दशकों तक भी गरीबों के लिए बैंक अकाउंट सुलभ न होने से लेकर पिछले सिर्फ 8 सालों में 47 करोड़ जनधन खाते खुलने की यह यात्रा, हर सुविधा के लिए लाइन लगाने से लेकर जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से एक मजबूत डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम की यह यात्रा, कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 80,000 स्टार्टअप की यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार लगातार आगे बढ़ रही है, जहां लक्ष्य सिर्फ एक है, तकनीक का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप वो डिजिटल के उद्देश्य के साथ देश के हर कोने में देश के हर व्यक्ति को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सभी बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए साकार हुई है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कागज रहित यानी पेपरलेस, सुगम और सुरक्षित रूप से करने की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में सेल्फ सर्विस जोन के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, डिजिटल सेवाओं के लिए टैब, ईकेवाईसी या वीडियो केवाईसी का उपयोग करके खाता खोलने की सुविधा, महत्वपूर्ण बिलर्स द्वारा बिल भुगतान की सुविधा, एंड टू एंड लोन की पूरी कागज रहित और सुगम सुविधा के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये सेल्फ सर्विस जोन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे सेवा में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर डिजिटल असिस्टेंस जोन में ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग, डेबिट कार्ड जारी और अनब्लॉक करना, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहायता, ग्राहक शिकायतें और शिकायत प्रबंधन, सावधि और आवर्ती जमा खाता खोलने की सुविधा, ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फास्टैग हेतु डिजिटल किट, और साथ ही व्यापारियों के लिए UPI, QR कोड, भीम, आधार, POS के लिए डिजिटल किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और देश की जनता को सुगम, सुरक्षित और कागज रहित बैंकिंग का अनुभव देकर देश में डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देगा। इस विश्वास के साथ इस महान देश और हर भारतीय पर इस स्वर्णिम अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समर्पित है। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे हमें अपना मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्मला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी गण, आरबीआई गवर्नर, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, देश के अलग अलग कोने में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थनीति से जुड़े सभी जानकार, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अब आप बॉटम लाइन के रूप में जो हमारे कंक्लूडिंग थॉट है यह देख लीजिए कि इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है बैंकिंग में, यह बिना रिस्क के नहीं होगा। रिस्क तो होना ही है। कई लोग अपने ओटीपी शेयर कर देते हैं, एटीएम पिन शेयर कर देते हैं, अपने यूजर क्रेडेंशियल जो कि उनके पासवर्ड हैं, यूजर आईडी हैं, ये सब शेयर कर देते हैं या इस तरह से रखते हैं कि कोई और भी ले लेते हैं। तो एक केयरफुल प्लान आपके द्वारा बनाना पड़ेगा, तभी आपके डिसरप्शन को जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस में है यह आपको मदद करेगा, तभी प्रॉपर इनोवेशन जो है नवाचार इन सबों का सेफली और सीमलेसली आप लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ कुछ जोखिम है, इस जोखिम को आप जरूर, हर बैंक अपने कस्टमर को सदैव आगाह करते रहता है कि आप किसी के साथ ओटीपी पासवर्ड शेयर नहीं करें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिसरप्टिंग है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए। यहाँ से कई तरह के प्रॉफिट मार्जिन जो आज बैंक में घट रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले जैसे अब नहीं है, कई सुविधाएं, अधिकतम सुविधाएं फ्री में हैं। तो यहाँ कंटिन्यूअस नवाचार की गुंजाइश है और वह मिनिमम कॉस्ट पर होना है, कंपिटिटिव मार्केट है। तो यहाँ कस्टमर को डिजिटल लिटरेट होना ही पड़ेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में, जो कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में जाने जाते थे, अब उनका बदला रूप हो गया है। अब वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में, जैसे कि मोनोसेप्ट हैं और कई तरह की ऐसी हैं जो कि बैंक से टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में हो गए। अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ही दे रहे हैं अपने सर्वर के द्वारा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के द्वारा, रैदर मैन पावर के द्वारा। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो हो रहा है, इसका अगर लाभ लेना चाहते हैं तब आपको डिजिटल लिटरेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो टेक्नोलॉजी रुकेगा नहीं, यह तो डिजिटल मुहिम की तरह वर्ल्ड ही जा चुका है, ग्लोब जा चुका है। तो आपको भी जाना पड़ेगा और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्सा बनने के लिए आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं कि आपको पार्टिकुलर क्या समस्या आ रही है, ताकि उस समस्या को डील करते हुए मैं अगला वीडियो बनाऊं। आप निरंतर अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ बिताते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलता हूं फिर नए विषय पर। तब तक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि प्रगति और उन्नति का अवसर मिले। लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूं।